सॉलिड स्टेट में एक पॉट है टाइप्स ऑफ सेल, ज़्यादातर स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं। और टाइप्स ऑफ सेल में जैसे बहुत भी पॉट हैं, जैसे क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, और इसमें एंगल्स भी दिया हुआ है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा एंड बीटा नॉट इक्वल टू गामा, फिर ए इक्वल टू बी एंड बी नॉट इक्वल टू सी, ऐसे दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, एंगल्स दिया हुआ है, टाइप्स दिया हुआ है, उसको कैसे हम याद करेंगे? और ज़्यादातर स्टूडेंट इसको भूल ही जाते हैं और उनके पास कोई ट्रिक्स नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक्स सॉलिड स्टेट में जो पॉट है टाइप्स ऑफ सेल उसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टडी करते हैं। चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट में जो पॉट है जिसका स्टडी हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए जो टॉपिक है वो जो टिक्स है, टिक्स ये दिया हुआ है यहाँ पर, टिक्स क्विट आवर मदर। ठीक है, क्विट आवर मदर। ठीक है, इसी के हेल्प से हम जितना भी इसमें पार्ट है सब पार्ट का हम लोग स्टडी करेंगे और सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्विट आवर मदर से क्या क्या बन सकता है देखेंगे। सी यू से हो जाएगा क्यूबिक, टी ई से टेट्रागोनल, और आवर से हो जाएगा आर्थोरोम्बिक, और एम ओ से हो जाएगा मोनोक्लिनिक, टी मिस ट्राइक्लिनिक, एच मिस हेक्सागोनल, एंड आर मिस होम्बोरेंड्रल। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया होता है, सबसे पहले क्रिस्टल लैटिक दिया होता है, क्रिस्टल लैटिक, क्रिस्टल लैटिक। ठीक है, क्रिस्टल लैटिक बाद आता है एज, उसके बाद इसमें एंगल्स दिया होता है, कितने एंगल्स होते हैं एंगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद टाइप्स आता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं टाइप्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं सी यू। सी यू मिस हो जाएगा क्यूबिक, क्यूबिक। टी ई मिस हो जाएगा टेट्रागोनल, टी ई मिस टेट्रागोनल। ठीक है फ्रेंड्स, और आवर से हो जाएगा, आवर में सिर्फ यहाँ पर वो लेंगे आर्थोरोम्बिक हो जाएगा, आर्थोरोम्बिक। और यमो से हो जाएगा मोनोक्लिनिक, यमो मीन्स मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। टी मीन्स हो जाएगा ट्राइक्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। ठीक है फ्रेंड्स, और एच ई मिस हो जाएगा हेक्सागोनल, एच ई मिस फ्रेंड्स हो जाएगा हेक्सागोनल। ठीक है फ्रेंड्स, लिखते हैं एंड आर मिस हो जाएगा रोम्बोहेंड्रल, रोम्बोहेंड्रल। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना आसानी से हमने ये लिख दिया, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेंड्रल। यदि ये टिक्स नहीं होता तो शायद मैं भी नहीं लिख पाता, बीच में भूल जाता। ठीक है फ्रेंड्स, अब इतना लिखने के बाद जो इसमें एज है, एज इसमें दिया होता है ए बी एंड सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका स्टडी करते हैं। तो जनरली सबसे पहले सब में लिख लेते हैं ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, इसमें भी ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, इसमें भी ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, लास्ट है ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। ठीक है फ्रेंड्स, सब में हमने ए
बी और सी को इक्वल कर दिया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सब इक्वल थोड़ी ना होगा, तो इसके लिए भी एक ट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है फ्रेंड्स। देखेंगे ये ट्रिक्स क्या है, ये अपनी हेल्प के लिए लिखते हैं ताकि कभी भूले नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 0 0 1 2 2 2 1 एंड 0। अब इसका क्या मतलब है, आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है, तो देखिए क्या इसका मतलब है। जीरो मीन्स हो जाएगा एक भी कट नहीं होगा, यानी कि ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। वन मीन्स राइट से वन कट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए इक्वल टू बी एंड बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है फ्रेंड्स। और टू मीन्स क्या हो जाएगा, यानी कि राइट से दोनों कट कर देंगे, यानी कि इसमें क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी एंड बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें भी दोनों सेम सेम है, कट देंगे, और दोनों का ही मतलब हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी एंड बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है फ्रेंड्स। अब फिर यहाँ पर वन आ गया इसके जैसा, इनकी राइट से वन कट करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी एंड बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट वन दिया हुआ है 0, यानी कि इसमें ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं एंगल्स पर। जनरली इसमें 3 एंगल्स होती है, अल्फा बीटा और गामा। तो एंगल्स में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अल्फा इक्वल टू बीटा एंड बीटा इक्वल टू गामा सब में कॉमन कर देते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा एंड बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा एंड बीटा इक्वल टू गामा, और इसमें भी अल्फा इक्वल टू बीटा एंड बीटा इक्वल टू गामा, इसमें भी अल्फा इक्वल टू बीटा एंड बीटा इक्वल टू गामा, इसमें भी अल्फा इक्वल टू बीटा एंड बीटा इक्वल टू गामा, इसमें भी वही लिख देते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा एंड बीटा इक्वल टू गामा, इसमें भी लास्ट है अल्फा इक्वल टू बीटा एंड बीटा इक्वल टू गामा। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो ऊपर से जो 3 तीनों दिया हुआ है इसको, ठीक है फ्रेंड्स। ऊपर से ए जो तीनों दिया हुआ है, ठीक है, ए इक्वल टू होता है 90 डिग्री के, ठीक है, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तीनों में, तीनों मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक, इन तीनों में क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा एंड बीटा इक्वल टू गामा सब 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, मोनोक्लिनिक में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, और नहीं नहीं इसमें होता है अल्फा इक्वल टू बीटा, सॉरी अल्फा इक्वल टू बीटा एंड बीटा नॉट इक्वल टू गामा, यानी कि ए जो दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू बीटा, ए दोनों ए इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री के, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा एंड बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ये तीनों नॉट इक्वल टू होता है 90 डिग्री के, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर इसमें देखते हैं ये जो दोनों पार्ट है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू होता है 120 डिग्री के, एंड ए गामा नॉट इक्वल टू होता है 120 डिग्री के। फिर इसमें क्या होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तीनों इक्वल टू होता है 90 डिग्री के, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और अब आता है टाइप्स, यानी कि ये जो सेल्स दिए हुए हैं उनके टाइप क्या क्या आते हैं, तो उसको भी याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक्स है, ठीक है। लिखते हैं 32 42 111, ठीक है फ्रेंड्स, 32 42 111 इसमें देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, इसको सटीक लिखते हैं इसके सामने। तो हमने क्या बोला है 32 42 111, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, नहीं तो इसका भी मतलब है हम बताते हैं टाइप्स में। तो 3 मतलब हो जाएगा पी हो जाएगा, 3 मतलब हो जाएगा यहाँ पर पी बी सी सी एंड एफ सी सी, 2 मतलब हो जाएगा पी एंड बी सी सी, 4 मीन्स क्या हो जाएगा
पी भी होगा, बी सी सी एफ सी सी और इंड भी इसमें आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और टू मिस हो जाएगा पी एंड बी सी सी, वन मिस क्या हो जाएगा पी, ओनली पी, ओनली पी, इसमें भी ओनली पी एंड इसमें भी ओनली पी। तो कितना शानदार हमने इसको लर्न कर लिया। और ये जो पूरा जो इसकी खोज हुई उसका श्रेय जाता है एक साइंटिस्ट हैं ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो ब्रेविस लैटिस हैं टाइप्स ऑफ सेल जो सात सेल होते हैं और इसने ही उसका खोज किया था। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा कि टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल जो याद करने का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, टिक्स है, वो है क्विट और मदर, ठीक है। क्विट और मदर की सहायता से हमने लिख लिया क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ठीक है। और इसमें जो क्रिस्टल लैटिक हो गया, ठीक है, एज जो होते हैं इसका याद करने का टिक्स है 0122210, ठीक है, इसका मतलब हमने बताया ही है। और जो एंगल्स होते हैं अल्फा अल्फा बीटा एंड गामा, इसका भी हमने लर्न कर लिया। और जो इसमें टाइप्स हैं कितने टाइप्स हैं, तो फोर टाइप्स होते हैं, पी होता है, बी सी सी, एफ सी सी एंड एंड। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, जो यदि क्यूबिक के लिए देखें तो थ्री, यानी कि इसमें हो जाएगा पी हो जाएगा क्यूबिक के लिए पी बी सी सी और एफ सी सी, ठीक है। टेट्रागोनल के लिए यदि देखते हैं तो इसमें टू हो जाएगा, यानी कि पी हो जाएगा और बी सी सी, ठीक है। यदि आर्थोरोम्बिक के लिए देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, आर्थोरोम्बिक के लिए फोर, यानी कि पी बी सी सी एफ सी सी और एंड, ठीक है। मोनोक्लिनिक के लिए देखें टू दिया हुआ, यानी कि पी हो जाएगा और बी सी सी। और ट्राइक्लिनिक के लिए यदि देखें तो वन, यानी कि ओनली पी। हेक्सागोनल के लिए देखें इसमें भी वन, यानी कि ओनली पी। और रोम्बोहेड्रल के लिए यदि देखें तो वन, यानी कि इसमें भी ओनली पी, यानी कि तीनों का सेम रहेगा इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, थैंक यू।